इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। So, आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो है वो रिसेप्शन। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल टॉक इन टाउन, तो हम लोग देखने वाले। और वेडिंग में तो सिर्फ उनके ही लोग थे, बट रिसेप्शन में उन्होंने इंडस्ट्री के ऑब्वियसली लोग बुलाए, तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन है। और अगर इस वीडियो में हम देख पाए तो देखेंगे कि कौन कौन आया है। अच्छा, से पहले हमने सिद्धार्थ और कियारा की जो है वो वेडिंग डे की भी हमने जो है वो एक वीडियो शूट की। अगर आपने वो नहीं देखी की करें, एक उनकी एक उनकी वीडियो ऑफिशियल वीडियो है जो उनकी है, और एक रियल टाइप कुछ है, मतलब एक वीडियो है जो उनकी खुद की वेडिंग वीडियो है, और एक है जो कि बॉलीवुड बबल की थी जिसमें डिफरेंट चीजों का पीछे बताया गया था, जिसमें पिक्चर्स भी मैंने देखी थी। ओके, तो वो दो वीडियोस अगर आपने हमारी नहीं देखी तो जाके सबसे पहले आप हमारे चैनल पे वो देख लो, और उसके बाद ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी के स्टार स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन की वो झलक जिसे आलिया भट्ट, नीतू कपूर, करीना कपूर, करण जौहर, रणवीर सिंह और अजय देवगन काजोल से लेकर गौरी खान, विकी कौशल और अभिषेक बच्चन तक इंडस्ट्री के टॉप सेलेब्स ने अपनी प्रेजेंस से लाजवाब बना दिया है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी का ये वेडिंग रिसेप्शन बन गया है बी टाउन का एक खास इवेंट जिसके हाइलाइट्स हर कोई जानना चाहता है। तो सिड की एक्स आलिया और उनकी मदर इन लॉ के हग से लेकर कियारा और काजोल के वार्म हग तक हग डे पर हुए इस वेडिंग रिसेप्शन के सभी हाइलाइट्स कैप्चर होकर इस स्टोरी में आपके सामने आ गए हैं। फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा की बाहों में कियारा अडवाणी को देखकर फैंस को कितना सुकून मिला है, ये तो दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट को मिला रिस्पांस खुद ही बोल रहा है। अब जरा ये देख लीजिए कि जब ये कपल अपने वेडिंग रिसेप्शन में पैप्स के लिए पोस्ट करने आगे आए तो क्या हुआ। वेल इवेंट की एक और खास बात रही सिड की एक्स गर्लफ्रेंड बताई जाने वाली आलिया भट्ट की प्रेजेंस। आलिया भट्ट यहां स्पॉट हुई मदर इन लॉ नीतू कपूर के साथ, और दोनों के बीच स्वीट हग का मोमेंट भी शटर बग्स में हो गया कैप्चर। वहीं हग डे पर हुए इस वेडिंग रिसेप्शन में कियारा को मिले हग भी बन गए हाईलाइट। ऐसे ही एक हग कियारा को मिला काजोल से। काजोल यहां पहुंची थी हबी अजय देवगन के साथ, तो कुछ और हग्स भी बने इस इवेंट के हाइलाइट्स, जिसमें करीना कपूर और शिल्पा शेट्टी का ये हग भी शामिल है। करीना यहां करण जौहर और आयान मुखर्जी के साथ भी स्पॉट हुई। सिड कियारा के खास मेहमानों की बात करें तो इस लिस्ट में शामिल थी अंबानी फैमिली भी। वैसे भी कियारा अडवाणी और ईशा अंबानी है क्लोज फ्रेंड्स, तो सभी को उम्मीद थी कि अंबानी फैमिली रिसेप्शन में जरूर पहुंचेगी, क्योंकि अंबानी फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रेजेंस से ये बात और भी कंफर्म हो गई।
तो अंबानी फैमिली से सिड कियारा के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी। इनके अलावा विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर, रोहित शेट्टी, वरुण धवन और वाइफ नताशा दलाल, आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप, जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सिड कियारा के वेडिंग रिसेप्शन में स्पॉट किया गया। इस इवेंट के और भी हाइलाइट्स हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify. Wow, यार इतने सारे स्टार्स को देख के ऐसा लग रहा है कि कियारा और कि कोई ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का क्या अवार्ड नहीं और ऐसा लग रहा है कि कियारा और सिद्ध का ये जो मतलब इनको काफी लोग पसंद करते हैं बॉलीवुड में, इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है किसी से कोई, क्योंकि अक्सर इवेंट्स होते हैं हाँ नहीं अक्सर शादियों वगैरह के इवेंट्स होते हैं तो उसमें सारे सेलिब्रिटीज नहीं होते, पर इनके इवेंट में काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं और इससे पता चलता है कि ये काफी जो है इनके काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, काफी अच्छे इनकी जो है वो बॉन्ड है तमाम लोगों के साथ और तमाम एक्टर्स ही बड़े अच्छे लग रहे हैं और कियारा और सिद्ध का जो कपल है वो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमेशा ही अच्छा लगता है, बट इन्होंने जो ड्रेस जो इनका आउटफिट था वो काफी डिफरेंट मुझे लगा, काफी डिफरेंट। अच्छा जो कियारा अडवाणी का जो अटायर है पूरा, इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा चूज किया है, था कुछ ऐसा चूज किया है जो कि काफी रिस्की आउटफिट था ये पहनने के लिए, मतलब काफी रिस्की था उन्होंने, मतलब एक यूजुअल थीम नहीं उन्होंने सेलेक्ट की, उन्होंने काफी डिफरेंट क्योंकि जो आपका जो रिसेप्शन या वलीमा जिसे हम लोग कहते हैं तो ये जो होता है ये काफी फॉर्मल इवेंट होता है यानी कि फॉर्मल डिनर होता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप कुछ भारी स्टेप का नहीं पहन सकते, बट इनका आउटफिट लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा विद द ज्वेलरी, लोग काफी इसको काफी टॉक ऑफ द टाउन है ये चीज भी, बट इट्स ओके क्योंकि जब आपका खुद का इवेंट है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल को इतना बुरा लग रहा है, मतलब या इट्स फाइन अगर इट्स लुकिंग डिफरेंट क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का कॉम्बो है, या यूनिक है बट हर एक को देखें, हर एक को जब आप किसी ड्रेस के साथ वो करते हैं ना क्या कहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप हर एक को वो एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आता, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं। रिसेप्शन पे एक्सपेरिमेंट वैसे होना तो नहीं चाहिए बट अगर रिसेप्शन पे एक्सपेरिमेंट करने की उन्होंने कोशिश की है तो शी इज अ सेलिब्रिटी एंड शी डजंट केयर अबाउट लाइक ओके या व्हाट एम आई डूइंग विद दिस, मतलब वो या मे बी वो इतनी कॉन्शियस ना हो, या इट्स टोटली हर चॉइस कि वो क्या कर रही क्या नहीं, बट ऑब्वियसली मीडिया स्टार्स भी होता है कि आप जब कुछ करते हो कुछ पहनते हो इवन टू स्पेशली जो आपके शादी वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं मुझे लगता है कि ज्यादा ही हाल एग्जैक्टली मुझे लगता है कि हर सेलिब्रिटी को ही कहीं ना कहीं ये चीज क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, जैसे आलिया भट्ट की जब शादी हुई थी तो जो उनका वेडिंग अटायर था वो कुछ पीच और कुछ गोल्ड कलर का था और उनका जो मेकअप था वो बिल्कुल टोटल नो मेकअप लुक था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इस पे लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया उनको के वाई शी सो सिंपल मतलब उनकी अपनी मर्जी, अगर वो नई लाल जोड़ा पहनना चाहती, लाल लिपस्टिक लगाना चाहती, मेकअप करना चाहती तो दैट्स हर चॉइस, बट लोगों को जाहिर है कि सेलिब्रिटी उनका और उनके हस्बैंड का एक प्रॉपर एक अलग मामला है, पर्सनल मामला उसमें, बट वो एक सेलिब्रिटी है तो लोग ये कहते हैं कि सेलिब्रिटी के ऊपर कॉमेंट करना जो है ना वो एक पब्लिक है। अच्छा इससे एक और चीज़ होती है जो हमारा मीडिया जो अभी मीडिया में भी फॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया जो अभी हम कर रहे हैं ये भी है, फिर इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी आता है, इन सब में जितने भी एक्टर्स आर्टिस्ट काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म से या टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में, तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि मीडिया रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अब अगर आप शादी पर एक चीज़ कर रहे हो, अब जैसे मिनाल खान और एमन खान की शादी जब हुई थी तो अगर आप कुछ कर रहे हो पाकिस्तानी जो हमारे एक्टर्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज आवाम जो है वो फॉलो करेगी, आवाम तो एग्जैक्टली पब्लिक जो है वो उसे फॉलो करेगी कि भाई आलिया भट्ट ने ये चीज की है तो इट्स ओके, कोई भी दुल्हन अपनी शादी पे इस तरह कर सकती है, या अगर मिनाल खान ने करा है, एमन ने करा है, या जो है वो अगर इंडियन एक्ट्रेसेस ने या एक्टर्स ने किया है तो हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का और जो जैसे भी करना है और वहीं से लोग फॉलो करते हैं, वहीं से माइंड सेट जो है वो बदलते हैं, तो हाँ
एक्टर्स को थोड़ा सा ख्याल करना इस बात का चाहिए कि जो वो पहनेंगे, जो वो दिखाएंगे मीडिया पर, जो पब्लिक है वो भी फॉलो करेगी. ठीक है कि भाई इन्होंने ये पहन लिया तो हम भी कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है. तो हाँ, मीडिया स्टार्स का के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट अगेन उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है. ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छे लोग, सारे स्टार्स काफी अच्छे लग रहे थे, सबके आउटफिट्स अच्छे थे, सब अच्छे. बार बार उन्होंने वीडियो में मेंशन किया कि आलिया भट्ट जो है वो उनकी एक्स है, और यार होता है लाइफ में, इट्स ओके. हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज ये है कि वो सब कुछ भूल के उन्होंने शादी में उनको बुलाया, वो शादी में आई, इट मींस कि दे हैव मूव्ड ऑन. ठीक है, तो अब हमें उस चीज पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं जब वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं. मुझे लगता है सिद्ध और कियारा और आलिया एंड रणवीर वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं. सो अगर वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, उनको याद भी नहीं है, तो मतलब आगे शादी में इसका मतलब मूव ऑन कर चुके हैं, तो फिर क्या ही जरूरत है किसी को याद करने की. सो यार दैट्स इट फॉर टुडे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.